लिए शानवाल के आगे प्लेट नहीं लगी हुई या शानवाल का नाम टैंकी पे नहीं लिखा हुआ, टैंकी मैं तैयार करवा रहा हूँ। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम गाय देश में जाने चैम, उम्मीद करता हूँ सब भाई कह रहे होंगे, अल्लाह सब भाई सलामत रखे, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। आइए आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो पहली फर्स्ट बात ये कि यार कल मैंने वीडियो लगाई थी वो मुर्गे की, मुर्गा लड़ाई वाली, आप सब भाइयों के पास नोटिफिकेशन आया था, मैंने स्टेटस भी लगाया था, वो टिकटॉक वालों ने यार डिलीट कर दिया, बड़ा नुकसान हुआ है। तो उन्होंने अकाउंट को भी वार्निंग दे दी है, तो अल्लाह खैर करे, आगे अल्लाह करे कोई वीडियो डिलीट ना हो। तो मेरी भी गलती है, मैंने नहीं लगानी थी, वो इतनी लड़ाई वाली वीडियो थी। तो सब भाई पूछ रहे थे कि वीडियो रिमूव क्यों की है, यार वीडियो मैंने रिमूव नहीं की, वो वीडियो टिकटॉक यूट्यूब वालों ने रिमूव कर दी है, तो इस वजह से वो आप सब भाइयों को अनअवेलेबल शो हुई है। तो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर के कोई और तरीके से वीडियो बना के भेज देंगे, ये चेक करो कबूतर, तो किसी और तरीके से आपको वीडियो बना के भेज देंगे। मुर्गा तो माशाल्लाह वीआईपी लड़ा था, आप लोगों के नसीब में नहीं थी वीडियो, बड़ी हैवी वीडियो थी। मैंने अपील भी किया टिकटॉक वालों से, लेकिन उन्होंने अपील डिसलाइन कर दी, मतलब उड़ा दी। बाकी वो वीडियो उनका बनता ही था डिलीट करना, क्योंकि इतनी ख़तरनाक वीडियो थी ना, लड़ाई हो रही थी मुर्गों की, तो यूट्यूब की कम्युनिटी के ख़िलाफ़ है। तो फिर मैंने कहा आज के व्लॉग में कोई आपको कोई और अच्छी चीज़ इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो अभी मैं उठाऊँ, मैंने कहा आपको ये पहले ये बात बता दूँ, सब भाइयों का ये मैसेज आ रहा था क्यों डिलीट की, ये रोल है और ये मुद्दा है। और उसके अलावा मैं 2-3 दिन पहले बोला था शानवाज वाली बात बतानी है, तो फिर मैं बताना भूल जाता था, दिमाग है आपको पता, बंदा फिर वीडियो बनाता है तो माइंड में नहीं रहता। फिर लड़कों का मैसेज आ रहा था, भाई शानवाज वाली कौन सी बात है बताओ, तो इंशाल्लाह आपको फिर आज इंशाल्लाह आज के व्लॉग में शानवाज वाली वो बात क्लियर करूँगा। लोगों की मैंने बातें सुनी हैं, हर तरफ से मैसेज आए हैं, मैं सोचा कि व्लॉग में सब भाइयों को बता दूं, क्योंकि मेरा व्लॉग हर भाई देखता है तो हर भाई का माइंड क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आज शानवाज का आपको टोटली हाल वाल देता हूँ, क्या बात है, क्या सिस्टम है। ये बोलते हैं राजू किधर है, ये बैठा राजू किधर जाएगा, राजू मेरे साथ ही होता है, तो बस मैं इसको अब कम उठाता हूँ, यार काम कार में बिजी होते हैं। ये जगह राजू इधर ही मेरे साथ ही मेरे कमरे में होता है। अभी मैं आ गया हूँ फ्रेश होके, अभी हम निकल रहे हैं खानपुर की तरफ, तो वहाँ थोड़ा काम है, वहाँ से काम करते हैं, उसके बाद फिर आपको जो मैंने बोला है शानवाद का इंशाल्लाह रुक के पूरा माहौल देते हैं, और माहौल सॉरी हाल वाल देते हैं, सब कुछ बताते हैं आप भाइयों को। तो अभी हम खानपुर का काम है वो भी दिखाते हैं, वो क्या काम है करते हैं फिर दिखाते हैं। खानपुर आ गया हूँ, तो वहाँ पहुँच गया हूँ, चलो इधर ही मैं सोचा आप सब भाइयों को बता देता हूँ। यार शानवाल के ये मालूम है कि तकरीबन भाइयों की मैंने बातें सुनी है, वो बोल रहे हैं कि जानी शानवाल को भूल गया है, सब कुछ उसने हटा दिया, गए थे प्लेट ये वो लटर फटर नाम वगैरह हटा दिए। मेरी जान के टूटे, सब भाइयों को पता है मैंने बाइक न्यू ली है, अभी मेरा बाइक मैं न्यू ही जेन्युइनली लेके घूम रहा हूँ, तो इसलिए शानवाल के आगे प्लेट नहीं लगी हुई या शानवाल का नाम टैंकी पर नहीं लिखा हुआ, टैंकी मैं तैयार करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह कुछ दिनों का टैंक भी दिखाऊंगा, वो प्लेट भी लगाऊंगा, प्लेट तब लगाऊंगा जब मैं मीटर उठाऊंगा, अभी मैं मीटर नहीं उतार रहा तो कैसे मैं प्लेट लगाऊँ। यार हमें मुफ्त की बातें ना किया करो, किसी बंदे को गलत साबित ना किया करो कि बंदे को फिर गुस्सा आ जाए, बंदा कोई बात कर दे, ठीक है। बाकी आप लोग शानवाल को पता नहीं मिले हो नहीं मिले, इतनी बातें कर रहे हो, हमारा वो भाई था, हमारे दिल के करीब था, हमसे पूछो कि हमें जब उसकी याद आती है हम कैसे टाइम गुजरता है या हम कैसे वो लम्हा गुजारते हैं, आप लोग सिर्फ बातें कर देते हो, ये गलत बात है मेरे भाई, ऐसे ना बोलो कि ये कर दिया वो कर दिया। लोगों की बातों पर मुझे कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन शानवाल की जब बात आती है मैं इसलिए आपको जवाब देता हूँ, बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं है, कोई मुझे गंदा बुलाए अच्छा बुलाए जैसा बुलाए, इज्जत अल्लाह के हाथ में, इज्जत अल्लाह देता है, ठीक है। तो बाकी कुछ ये मैसेज है कुछ भाइयों के लिए जो बंदे मुझसे रब्ता करते हैं, पहली बात ये कि यार मैसेज मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, इंस्टाग्राम टिकटॉक व्हाट्सअप जो भी है, ठीक है। बाकी सब भाई मिलने का कहते हैं, इंशाल्लाह जिस शहर आऊँगा स्टेटस स्टोरी लगा के आऊँगा, सबको मिलूँगा, ये मत सोचना कि मैं जवाब नहीं देता तो मैं मिलूँगा, नहीं कभी नहीं, सबको मिलूँगा। मुझे कोई मांगने वाला या कोई कचरा चुनने वाला आके बोले ना भाई मैं आपका फ़ैन हूँ, तो मैं भी उससे भी इज्जत से मिलता हूँ, इज्जत से उसे बात करता हूँ, तो ठीक है। बाकी ये अपने माइंड से निकालो कि शानवाल का नाम ख़त्म कर दिया या हमारे एटीट्यूड है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी को गुरूर ना दे, गुरूर बहुत गंदी चीज़ है। तो बाकी जैसे मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करते हैं लड़के, मैं ब्लॉक कर देता हूँ, कैसे ब्लॉक करता हूँ, हेलो का मैसेज लिखते हैं, मैं ऑफलाइन होता हूँ तो 40 कॉल कर देते हैं, 40 कॉल घर बैठा हूँ, कट करो फिर कॉल, उस बंदे को मजबूरन ब्लॉक करता हूँ। जो बंदा मुझे मैसेज करता है कहता है भाई मैं फलाना हूँ नंबर सेव कर लो स्टेटस देखना है, तो मैं नंबर सेव करता हूँ, बंदा सिर्फ व्हाट्सअप इसलिए मैसेज करता है कि स्टेटस देखने के लिए, हम इधर से नंबर सेव करते हैं। बहुत से बेशुमार ऐसे बंदे जिनके नंबर मेरे पास सेव हैं, मुझे तंग नहीं करते, मैं उनके लिए ताबेदार हूँ, जो बंदे तंग करते हैं मैं उनको ब्लॉक करता हूँ, ये हमारी मजबूरी है, बंदा हर बंदे की मजबूरी समझता है। बाकी इंशाल्लाह ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहो, ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहो, शानवाज के हक में दुआ किया करो, गलत बयान गलत बातें ना किया करो, फेम के लिए घटिया काम ना किया करो, यार फेम अल्लाह देता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं देता है, हमें किसी को बदनाम करके गलत बात करके फेम हासिल नहीं होगा।
तो इंशाल्लाह ऐसे ही हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके साथ ही, आप सब भाइयों के प्यार से हम आगे आ रहे हैं, हम ऐसे आगे नहीं आ रहे, आप सब भाइयों की सपोर्ट से आ रहे हैं, ये हम मानते हैं और आपका प्यार है, इंशाल्लाह ऐसे ही आपके साथ रहेंगे, अल्लाह ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखेगा। दुआओं में याद रखना, मिलते हैं कल की वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।